गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ अंजलि और महिमा भी मौजूद हैं। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ। दिल्ली में तेज बारिश से सड़कों और घरों में भरा पानी। कुछ घंटों की बारिश में डूबा मिंटो ब्रिज और वहां पर गुजरने वालों की लगातार मुश्किलें बढ़ रही। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भरा। नेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें सामने आई। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली पानी पानी हुई। बारिश ने बिगाड़े दिल्ली के हालात। बारिश के बाद पानी में डूबा नजर आया आश्रम ब्रिज। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का देखने को मिला रौद्र रूप। नदी के कटान की वजह से कई एकड़ की फसलें बर्बाद हुई। उत्तराखंड के टिहरी में अचानक आ गई बाढ़ और पुल क्षतिग्रस्त हुआ। पुल के दूसरी तरफ फंसे पर्यटकों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के उदयपुर में मृतक छात्र का अंतिम संस्कार किया गया। भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के परिजनों को 51 लाख का मुआवजा। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर भी सहमति बन गई। SC ST एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप की बाद दहशत में आए लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप की वजह से हिली कार और स्कूटी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। उधमपुर के डूडू इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी सुनवाई होनी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। इसी मामले पर सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर से रेप और हत्या मामले पर चर्चा करेंगे। कोलकाता पीड़िता की ऑटोप्सी रिपोर्ट से हैवानियत का खुलासा हुआ। गला घोटकर हत्या का जिक्र। मृतका की फटी डायरी खंगाल रही है टीम। शमशान घाट के स्टाफ ने कहा पुलिस ने जल्द ही अंतिम संस्कार का दबाव बनाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान के जोधपुर में एक हॉस्टल में एक छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने मिलकर छात्र नेता की पिटाई की। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर युवक पर हमला किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कैमरे में तस्वीरें जो कैद हुई उसी के आधार पर जांच कर रही है। यूपी के अमरोहा में कार और ट्रैक्टर में टक्कर। सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। 6 लोग घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने पंडित के बेटे की पिटाई कर दी। दबंगों ने मंदिर में घुसकर मारपीट की। यूपी के एटा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने पंडित के बेटे की पिटाई की। दबंगों ने मंदिर में घुसकर मारपीट की। यूपी के एटा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये पूरा मामला मेरठ का है। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। उपद्रवियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। बांग्लादेश में काली माता के मंदिर में तोड़फोड़ कर सामान लूटकर फरार हुए उपद्रवी। रूस के कुसर्क में यूक्रेनी सेना का हमला। रूस की सेना ने कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया। रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पूर्वी लेबनान में इसराइल का हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला। रॉकेट हमले में हिजबुल्ला के ठिकाने नेस्तनाबूद।
इटली के पोर्टिसेलो में खराब मौसम की वजह से पलटी नाव। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 15 लोगों को बचाया गया, 6 लोग अभी भी लापता। अमेरिका के शिकागो में गाजा में युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ के कारण करीब 20 लोगों की मौत हुई। और चीन के चांगशा में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। एक बार फिर से जब बारिश हुई तो दिल्ली में चारों तरफ पानी भर चुका है और यातायात भी प्रभावित है। विंटो रोड और लुटियन जोन पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से पूरे दिल्ली एनसीआर का यही हाल नजर आ रहा है। जहां पर भी कदम लोग रख रहे हैं वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसके चलते, जलभराव के चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है, यानी कि फिर से लंबा ट्रैफिक जाम जिससे लोग अब जूझ रहे हैं और इन्हीं पानी भरी सड़कों से होकर के लोगों को गुजरना पड़ रहा है अपने जरूरी काम के लिए, अपने दफ्तर के लिए रोजाना अब दो चार होना पड़ रहा है। जैसे ही कल झमाझम बारिश हुई उसके बाद के हालात आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर टू दफ्तर सफर करना कितना मुश्किल हो चुका है। चाहे वो बस हो, ऑटो हो या फिर कार या फिर दोपहिया वाहन, सभी को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ये मेन मार्केट का भी आप इलाका देखिए, लुटियन जोन पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तीन तस्वीरें आपके सामने दिल्ली में बारिश के बाद के ये हालात हैं। ये देखिए वीआईपी इलाके आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर देखिए पानी से लबालब सड़कें नजर आ रही हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, बारिश की मार से दिल्ली लाचार हो गई है क्या, पहला ये सवाल था। आप ऑटो देखिए कितना डूबा हुआ है और अभी ये मान लीजिए ऑटो तो ये खराब हो चुका है क्योंकि पानी में जितने वाहन आधे से ज्यादा डूब जाते हैं और इंजन उनका जब पानी की चपेट में आता है खराब हो जाता है। यहां पर हम आपको मिंटो ब्रिज के पास की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। घर से दफ्तर जाना अब एक बड़ी चुनौती हो चुका है। कल त्योहार की छुट्टी के बाद अब लोगों को आज दफ्तर जाना होगा, लेकिन कैसे जाएंगे। सड़कें देखिए पानी में लबालब है, वाटर लॉगिंग चारों तरफ हो गई है। जरा सी देर की बारिश क्या हुई उसने पूरी दिल्ली की एक बार फिर से असल तस्वीर सभी लोगों को यहां पर दिखा दी है। एक बड़ी चुनौती लोगों के सामने अब यहां पर, यहां पानी की निकासी कैसे होगी, ये बड़ा सबसे सवाल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और देखिए दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई जिसके बाद लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिंटो ब्रिज पर जल भराव, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हर बार सरकार बड़े बड़े दावे करती है और जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले यही वादा किया जाता है कि भाई इस बार बारिश अगर होती है तो जल जमाव की समस्या से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और नेशनल मीडिया सेंटर की पहली तस्वीर, फिरोजाबाद रोड की दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको शास्त्री पार्क से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और जितनी भी तस्वीरें भले ही अलग अलग है लेकिन तासीर सभी तस्वीरों की एक ही है और यहां पर आपको नजर आएगा कि आने जाने में लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां इस वक्त आ रही है। नेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सोचिए जो लोग पैदल यहां से गुजर रहे होंगे। और देखिए ज्यादा देर तक जब पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल्ली फिरोजशाह रोड भी आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, दिल्ली की सूरत कब बदलेगी, तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वादे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन हर बार जैसे ही बारिश होती है तो सभी वादे हवा हवाई साबित होते हैं। और अब देखिए शास्त्री पार्क की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ आपको बच्चे चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, सड़क से लोग गुजरते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ना भीगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि जितने भी दावे हैं सभी धराशायी यहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिल्ली दरिया बन चुकी है, कुछ ऐसे इलाके जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तो इस तरह की जल जमाव तमाम बीमारियों को भी दावत देता है। तीन तस्वीरें अलग अलग इलाकों के हम आपको दिखा रहे हैं, कनॉट प्लेस, आश्रम चौक और राजघाट। जहां पर भी आप नजर डालेंगे अगर आप दिल्ली का सफर कर रहे हैं तो आपको इस तरह की जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो इस समस्या से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कनॉट प्लेस में देखिए किस तरह से जल भराव है। यहां पर देखिए अमूमन लोग घूमने के लिए भी आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, ये वीआईपी इलाके हैं, यहां के हालात हैं। तो वाटर लॉगिंग किस तरह से दिल्ली में हावी हो चुका
चुकी है। ये आप जरा देखिए, जहां से भी वाहन गुजर रहे हैं ये पानी के बीच से होकर के गुजर रहे। आश्रम चौक पर देखिए, यहां पर रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है, यहां पर भी किस कदर पानी भरा हुआ है ये आप समस्या देख सकते हैं। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, जिसका दावा तो हर बार किया जाता है लेकिन उसको सुधारा नहीं जाता, और यही समस्या दिखाई दे रही है पूरे दिल्ली में। ये राजधानी है देश की और यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, तो समझिए और जगहों के क्या हालात होंगे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है, राजघाट पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, राजघाट से भी लोगों को इसी तरह से दो चार होना पड़ रहा है। तो ये VVIP इलाके हैं, ये वो जगह है जहां लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। राजघाट अक्सर लोग विजिट करने के लिए जाते हैं लेकिन यहां पर जब आप आएंगे पहुंचेंगे तो पानी से तैरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब